परिवहन मंत्री विजेंद्र सिंह ओला के गृह जिले झुंझुनू में ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों को हर रोज जिला परिवहन कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, मगर बीते 29 दिन से लोगों को जिला परिवहन कार्यालय से निराशा के साथ ही लौटना पड़ रहा है। जिला परिवहन कार्यालय में बीते 29 दिनों से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को प्रिंटेड लाइसेंस नहीं मिल रहे। जिले में करीब 3,500 लाइसेंस पेंडिंग है। इसकी वजह ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड खत्म होना बताया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलने के चलते वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभियान के दौरान पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के चलते चालान करने की कार्यवाही कर रही है। डीएल के नए और लाइसेंस रिन्यू के लिए आवेदन करने वाले लोगों को समय पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलने के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला परिवहन अधिकारी संजीव दलाल ने बताया कि 16 मई के बाद से ड्राइविंग लाइसेंस की पेंडेंसी है चिप नहीं आने के चलते लाइसेंस कार्ड प्रिंट नहीं किए जा रहे। जिले में करीब 3,500 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस पेंडिंग है। हमारे कुछ अभी पिछले महीने से कुछ डीएल हैं वो पेंडेंसी में हैं, जिसमें से 16 मई के बाद वाले में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। इसमें कुछ चिप का कारण हमने इसकी डिमांड भी दी है, जिसमें चिप का कारण बताया जा रहा है कि ये पीछे से इम्पोर्ट वगैरह चिप की कोई समस्या आ रही है, तो ये पेंडेंसी हो गई है इसके कारण डीएल की। और आरसी वगैरह में हमारे ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसके उपरांत भी यदि ग्राहक को अर्जेंट ज़रूरत होती है तो हम डिजी लॉकर के माध्यम से उनको अपना जो डीएल है और आरसी उसके लिए 24 नंबर फार्म होता है उनको डाउनलोड करने के लिए, और हम अवेलेबल यहाँ आते हैं अवेलेबल भी कराते हैं ताकि जो ग्राहक है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। बताए 16 मई के बाद कुछ पेंडेंसी हैं, लगभग 3,500 के आसपास की डीएल की पेंडेंसी है, बाकी आरसी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।